हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके पास अपने एक वीडियो के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले वीडियो में हमने जो घराने थे उनके बारे में जाना था, और इस वीडियो में हम भारत के जो प्रमुख लोग रहते हैं उनके बारे में जानेंगे। दोस्तों, मैं फिर वही बात कहूँगा कि एग्ज़ाम चाहे कोई भी हो, एक तो लोक नृत्य और दूसरा हो गया घराने, इन दोनों में से एक या दो क्वेश्चन हर पेपर में, चाहे वो स्टेट लेवल का हो या फिर बैंकिंग का हो, रेलवे का हो, एसएससी, यूपीएससी, कुछ कोई भी एग्ज़ाम हो, उनमें एक या दो क्वेश्चन ज़रूर ही ज़रूर आते हैं। और मुझे लगता है कि दस पंद्रह बीस मिनट की वीडियो देखने के बाद अगर आपके एक या दो क्वेश्चन बिल्कुल सही होते हैं तो सौदा कोई बुरा नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी वीडियो को देखेंगे और पसंद करेंगे। और दोस्तों, आपकी तरफ से भी हमें थोड़ा बहुत प्रोत्साहन मिलना चाहिए, तो प्लीज़ वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए चलते हैं हम अपनी वीडियो की। भारत के प्रमुख लोक नृत्य। लोक नृत्य किसे कहते हैं? तो दोस्तों, वह नृत्य है जो आम लोगों द्वारा विकसित किया जाता है, जो एक निश्चित देश या क्षेत्र के लोगों के जीवन और संस्कृति को दर्शाता है। क्या बताता है? कि जो निश्चित देश या क्षेत्र के लोगों के जीवन और संस्कृति को दर्शाता है, उसे ही लोक नृत्य कहा जाता है। ये बिना किसी पेशावर प्रशिक्षण के बहुत सरल नृत्य होते हैं। और पारंपरिक संगीत के साथ किए जाते हैं। ये बात ध्यान रखना, जो लोक नृत्य होते हैं वो पारंपरिक संगीत के साथ ही होते हैं। भारत के सभी राज्य प्रमुख लोक नृत्य की सूची। ये जो हमारे राज्य इस साइड में और इस साइड में है, ये लोक नृत्य है। तो बात करते हैं सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश जो कि हमारा ईस्ट में पड़ने वाला राज्य है, तो उसके कौन कौन से लोक नृत्य हैं? जैसे कि छम, मुखोटा, युद्ध नृत्य, भुइया चलो, वांचो, पासी कोंकी, पोनुंग, पोपिर बार्डो, पोनुंग, पासी कोंकी। तो दोस्तों, ये सभी अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं। अब बात करते हैं असम की। तो असम में क्या है? कली गोपाल, खेल गोपाल, बिहू। बिहू तो आप जानते हैं क्योंकि आपने छठी सातवीं क्लास से बिहू के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। और ये जो कली गोपाल है, ये बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। फिर आता है बिहुआ। ये ध्यान रखना, असम बिहू, बिहुआ दोनों एक सेम सी हैं बिल्कुल। नट पूजा, चोंगली, चोंगवी, नागर नृत्य और अंकिया नाट, ये सभी असम के लोक नृत्य हैं। फिर बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो जो आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य हैं, मर्दाला, कुंभी, घंटा मर्दाला, छड़ी नृत्य, बात खम्बा, वीधी, मधुरी, ओटंतुल्लु, कालीअट्टम, कुड़ीअट्टम, भद्रकाली। तो जो आंध्र प्रदेश के लोग इम्पोर्टेंट है, जैसे कालीअट्टम हो गया, कुंभी हो गया, घंटा मर्दाला हो गया, घंटा मर्दाला, छड़ी नृत्य, ये और जो मर्दाला भी, ये इसमें इम्पोर्टेंट बात है। भद्रकाली भी इम्पोर्टेंट ही है। अब देखते हैं अगले। अब उत्तराखंड आता है। उत्तराखंड को जो नदियों घाटी भी कहा, वो नदियों गढ़ी भी कहा जाता है, उसमें कौन कौन से आते हैं? चैबली, गढ़वाली, कुमायूनी, कजरी, झोरा, रासलीला। तो जो गढ़वाली है, ये इसका फेमस नृत्य है उत्तराखंड का, गढ़वाली और कुमायूनी। अब बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में कौन कौन सा आता है? यक्षगान, कुनीता, वीरगासे, भूतकोला, करगा, सुग्गी, कुनीता लंबी। इसके जो कर्नाटक का है यक्षगान, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है यक्षगान। ये यक्षगान और करगा, भूतकोला, ये तीनों इसमें इम्पोर्टेंट है। फिर आता है गुजरात। गुजरात राज्य में जो लोक नृत्य हैं, सबसे मेन जो है डांडिया। फिर आता है गरबा, और गणपति भजन भी इम्पोर्टेंट ही है, लेकिन इतना पूछा नहीं जाता। जो पूछे मेन पूछे जाते हैं,
एक तो डांडिया रस है और दूसरा गरबा। फिर पनियारी नृत्य है, लास्य है, टिप्पानी है, कोलिया, भवई। भवई भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है। फिर आता है उसके बाद गोवा। गोवा के जो लोक नृत्य हैं जैसे कि फुगडी, ढालो, कुनबी, धनगर, मंडी, जगोर, खोल, डागनी, तरंगमेल, सिगमो, घोड़े, मोदनी, समी नृत्य, जागर, रणमाले, अमी नृत्य, तोनिया मेल। तो जो गोवा के इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है वे कौन से हैं, जैसे कुनबी, फुगड़ी, मंडी, जगोर, एक रणमाले, जो ये हमने रेड से मार्क किया है, ये इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है इसमें। फिर बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में कौन कौन से हैं, कर्मा, सरहुल, छऊ, फिरकल, जट, जाडिन, पाइका। तो झारखंड के जो मैन मैन है वो कौन से हैं, छऊ और पाइका, ये दोनों बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर आता है तमिल। तमिल में जो इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले ये बता दूँ, तमिल में जो आता है कुंभी और एक भरतनाट्यम और एक कोट्टम, ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं इनसे। कुंभी, कावड़ी, कड़ागम, कोलाट्टम, पितरल, कोट्टम और भरतनाट्यम, ये तमिलनाडु के हैं। अब चलते हैं आगे की ओर और राज्यों के बारे में। अब आता है नागालैंड। तो नागालैंड के जो लोक नृत्य हैं कौन कौन से हैं, रेगमा, चोंग, नोकेम, चिंता, कजरम, युद्ध नृत्यम, ख्यावालिम, नूरालिप, कुर्सीनागा, चुमिगे, दोहाई। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सा है, एक तो रेगमा मैन सबसे, फिर आता है तुम्हारा कुर्सीनागा और एक होता है कजरम, चोंग नोकेम भी कभी कभार पूछ लिया जाता है। फिर आता है पंजाब। पंजाब में कौन कौन से हैं, भांगड़ा, गिद्ध, डफ, नमन, भाड़, नकल, इनमें जो है भंगड़ा और गिद्ध सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा यही पूछे जाते हैं। फिर आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कौन कौन से हैं, राम भेसे, गंभीरा, बाउल, जात्रा, कीर्तन, खाटी, महाल, गंभीरा, रायवेश, मरछिया। और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, एक तो बाउल पूछ जाएगा, एक पूछ जाएगा तुम्हारा मरछिया और एक राम भेसे, ये तीनों इम्पोर्टेंट। फिर आता है बिहार। बिहार में जो लोक नृत्य है, व्यागा, जदूर, जाया, जट जटिन, मादी, मूका, लुजरी, विदायत, कीर्तनिया, पवड़िया, जात्रा और सोराई। इसमें जो इम्पोर्टेंट है बिहार में, एक तो जात्रा हो गया, एक सोराई हो गया, एक हो गया तुम्हारा लुजरी। फिर आता है मणिपुर। मणिपुर में चोंग, महाराज, नटराज, लाई हरोबा, संखाल, वसंतराज, थांगटा, पुवलोक की धूम। तो इसमें इम्पोर्टेंट है चोंग और नटराज, नटराज नृत्य जो होता है। फिर आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में रीना, चौथ, दिवारी, नवरानी, गोनियो, सुहा, भगोरिया, कर्मो, पाली, डागला, छेरिया, फुलको, मंदिरी, सेला, बिल्दत, टपाडी और गोडा। तो जो मध्य प्रदेश में आता है गोडा, आपने कई बार नाम भी सुना होगा। फिर आता है नवरानी, भगोरिया भी इसमें आता है इम्पोर्टेंट भी, और चौथ भी इम्पोर्टेंट ही है। तो ये इसमें मध्य प्रदेश में इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है। नृत्य का मतलब बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है वो आपको याद रखना है। फिर आता है राजस्थान। राजस्थान में बगरिया, ख्याल, सकरिया, गोइका, लीला, झूलन लीला, कामड़, चरी, चंग, फुदी, गीदड़, गैर पनिहारी, गनगौर। तो इसमें कौन कौन से हैं, एक तो गनगौर है, एक गैर पनिहारी है, एक ख्याल जो बहुत बार पूछा जाता है, ख्याल का ध्यान रखना, गिदड़ भी इम्पोर्टेंट ही है। फिर आता है हरियाणा। हरियाणा में जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है, पहले बात करते हैं सभी की, जैसे कि झूमर, फाग नृत्य, डैव, धमाल, लूर, गुग्गा, खोल, घगोर। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है हरियाणा में, वो झूमर है, धमाल है, गागोर है और फाग नृत्य भी इम्पोर्टेंट है। फिर आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं, हिमाचल प्रदेश में सांगला, चंबा, डांगी, डंडा, नाव, डफ, धमान, थाली, जद्दा, छरवा, महाथू और चपेली। जो इसमें इम्पोर्टेंट है वे कौन कौन से हैं, जैसे सांगला हुआ, एक हुआ डांगी, नाव, डंडा और चपेली और धमान, छरवा भी कभी कभार पूछ लिया जाता है। फिर आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में गोरमारिया, पंथी, राउत नाचा, पंडवानी, वेदमती, कापालिक, चंदेनी, भरथरी, चरित, गोडी, कर्मा, झूमर, धगला, पाली, तपाली, नवरानी, दीवारी, मुंडारी, झूमर।
तो एक तो हो गया झूमर सबसे मेन, फिर हो गया नवरानी, फिर आया मुंडारी, पंडवानी भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं, गौर मारे भी इम्पोर्टेंट है और चंदेनी भी, इसमें लगभग सभी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चाहिए क्वेश्चन, इनमें छत्तीसगढ़ से ही ज़्यादा बनते हैं। फिर आता है हमारा केरल, केरल में कौन कौन से हैं, ओट्टाम थुलाल, क्याको टिकली, टप टिकली, काली ओट्टम। इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो काली अट्टम से बनेगा, एक ओट्टाम थुलाल से बनेगा, और ये क्याको टिकली भी। अब बात करते हैं सिक्किम, तो सिक्किम के जो लोक नृत्य हैं, चूफाट, याक चाम, सिकमारी, सिंगी चाम, यासनो, लायन याक चाम, डेंजोंग कनेना, ताशी यांकू, खुगुरी नाच, चटनी नाच, मरुनी नृत्य। तो इसमें इम्पोर्टेंट है वो कौन कौन सा है, एक तो क्या चटनी नाच, एक हो खुगुरी नाच, ताशी गंग यांकू, अच्छा क्वेश्चन बनते हैं इससे भी। फिर आएगा हमारा याक चाम। अब आता है तेलंगाना, तेलंगाना के इम्पोर्टेंट दो ही हैं इसमें इम्पोर्टेंट का, दोनों ही याद रखने हैं, पेरिनी शिव तांडवम और कीसाबादी। फिर आता है त्रिपुरा, त्रिपुरा में हो जाए होजागिरी, भूमनी, बिजू, चराव, हैहक, वांगला और संग्राई। इसमें जो इम्पोर्टेंट है कौन कौन से हैं, होजागिरी, भूमनामी, भूमनी, बिजू और संग्राई, वांगला भी इम्पोर्टेंट है। फिर आता है बाद में क्वेश्चन बनते हैं हमारे। तो दोस्तों मैंने इसमें जो है बेसिक क्वेश्चन लिए हैं, जो है ना मोस्टली रिपीट होते हैं, और इसमें 15 क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड किया है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। शास्त्रीय नृत्य कथकली किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है ए केरल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। कथकली का याद रखना है क्वेश्चन बनता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए केरल से, कथकली केरल, कथकली केरल याद रहेगा ना। आप डायग्राम को देख के भी इससे अनुमान लगा सकते हैं कि कथकली कहाँ का है, केरल का। फिर आता है दूसरा मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम किस राज्य की एक शास्त्रीय नृत्य शैली है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र एंड ऑप्शन डी केरल। इसका बिल्कुल ठीक आंसर है दोस्तों डी, मोहिनीअट्टम भी केरल में ही आता है। जो ये नृत्य है आप देख रहे हो फोटो में, ये मोहिनीअट्टम ही है। फिर आता है मांच किस राज्य का लोक नृत्य है? मांच, मांच जो है दोस्तों ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, सी हरियाणा, डी असम। तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है मध्य प्रदेश बी। मांच दोस्तों देखो जैसे कि औरतें हैं ये ग्रुप में डांस करती हुई दिखाई देंगी, मतलब ये एक तरह से स्टेज परफॉर्म। अब आता है चौथा बिहू, बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? बिहू ऐसे मतलब कि औरतें एक साइड हो जाती हैं एक लाइन में और आदमी एक लाइन में जाते हैं, तो ये एक लोक नृत्य है जिसका मतलब कि जो बिहू है ये कौन से राज्य में है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी हरियाणा, डी उड़ीसा। तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है बी असम, बिहू जो है असम से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 5, कृष्णाष्टम, कृष्णाष्टम निम्न में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक, डी केरल। इसका ठीक आंसर दोस्तों डी केरल। आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जब भी किसी मतलब डांस के नाम के पीछे अट्टम लगाओ, अट्टम प्रत्यय, तो वहाँ पर हमेशा केरल ही टिक करेंगे। अट्टम चाहे मोहिनी अट्टम हो, कृष्ण अट्टम हो, कली अट्टम हो, वहाँ पर आपको केरल ही लगाना है। फिर आता है छठा, नौटंकी किस राज्य के लोक नृत्य है? ऑप्शन ए केरल, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश और डी मध्य प्रदेश। इसका ठीक आंसर है दोस्तों सी उत्तर प्रदेश। नौटंकी में क्या होता है कि जैसे कि आप जानते हैं भाई 3-4-5 या पूरा ग्रुप होता है उनका, वे कहीं भी
जैसे चौराहे पर खड़े हो जाते हैं और ड्रामा नौटंकी दिखाते हैं, चार पाँच लोग मिलकर तमाशे दिखाते हैं, उसे नौटंकी कहते हैं। मतलब अपनी बात को लोगों को बताना कहानी के रूप में, डांस के रूप में, इस तरह से। फिर आता है सात क्वेश्चन, सात कूद नृत्य कहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य है? कूद नृत्य, ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, बी ओडिशा, सी राजस्थान और डी मध्य प्रदेश। तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है दोस्तों, ए जम्मू कश्मीर। ये डायग्राम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कूद नृत्य कैसे होता है। क्वेश्चन आठ, भारत के किस राज्य में लुड्डी नृत्य किया जाता है? लुड्डी, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, इसमें औरतें जो है रुमाल हाथों में बांधी हुई होती है और स्टेज पर परफॉर्म करती है। तो ये कहाँ का है? ऑप्शन है हरियाणा, बी राजस्थान, सी पश्चिम बंगाल, डी मध्य प्रदेश। इसका ठीक आंसर है दोस्तों ए हरियाणा। जो लुड्डी नृत्य है वो हरियाणा राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अब बात करते हैं नाइन्थ, निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, जितने मैंने क्वेश्चन अभी तो बताए आपको, ये सभी कभी ना कभी कोई से ना कोई से एग्जाम में रिपीट होते ही रहते हैं और ये बहुत बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है। तो देव नृत्य कौन सा है? क्वेश्चन है कुचिपुड़ी, बी कथकली, सी मोहिनीअट्टम, डी भांगड़ा। तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है दोस्तों ए कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी एक देव नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है? मतलब कि जो विकास, मतलब कि उद्गम मतलब कि निकलना एक तरह से, मतलब कि कोई चीज़ है और उसमें से निकल रही है, तो उद्गम जो है पूर्वी भारत से किस नृत्य का शैली का हुआ था? तो ऑप्शन है भरतनाट्यम, बी कथकली, सी कुचिपुड़ी, डी मणिपुरी। तो दोस्तों इसका बिल्कुल ठीक आंसर है ऑप्शन डी मणिपुरी। मणिपुरी जो है वो पूरी भारत से ही निकला है, जैसे कि जो मणिपुर है वो हमारा पूरा ईस्ट का ही राज्य है, मेरे नक्शे में तो ईस्ट में ही आता है ना मणिपुर, तो ये मणिपुर के पूरी आप ऐसी भी अंदाजा ला सकते थे। क्वेश्चन बन रहा है पूरी भारत, तो पूरी भारत कहाँ से स्टार्ट होता है? क्वेश्चन नंबर 11, धमाल कहाँ का नृत्य है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका बिल्कुल ठीक आंसर है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। जो धमाल है कहाँ याद रखना है? हिमाचल प्रदेश। एक इसका जो है छेपली या छपेली, वो भी हिमाचल प्रदेश में ही नृत्य होता है। अब आता है क्वेश्चन 12, मंडी कहाँ का नृत्य है? मंडी, ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी गोवा। तो जो मंडी है दोस्तों वो गोवा का लोक नृत्य है। अब आता है भरतनाट्यम, क्वेश्चन नंबर 13, भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु एंड ऑप्शन डी असम। तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर दोस्तों भरतनाट्यम तमिलनाडु। भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु से रिलेटेड है और ये वहाँ बहुत ही ज़्यादा फेमस है भाई, लोक नृत्य फेमस तो हो गई। क्वेश्चन नंबर 4, गढ़वाली कहाँ का नृत्य है? गढ़वाली दोस्तों इसके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी मेघालय एंड ऑप्शन डी केरल। जो गढ़वाली है दोस्तों वो उत्तराखंड से, मतलब उत्तराखंड का नृत्य है। उत्तराखंड को नदियों का नदी घाटी भी कहा जाता है। अब आ जाए क्वेश्चन 15 एंड हमारा ये आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 15, कठपुतली कहाँ का नृत्य है? कठपुतली, ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी हरियाणा एंड ऑप्शन डी राजस्थान। तो भी इसका बिल्कुल ठीक आंसर है दोस्तों राजस्थान। कठपुतली जो है राजस्थान से संबंधित है और आप जो है कभी राजस्थान जाओगे
तो वहाँ पर जो मेले लगते हैं वहाँ पर जो है कठपुतली का जो नृत्य है वहाँ आप देख भी सकते हैं। तो कठपुतली जो है राजस्थान से रिलेटेड है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, भारत के प्रमुख लोक नृत्य। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो जरूर जरूर पसंद आएगी। तो हमें अप्रिशिएट करने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू भाई। इतना तो आप अपने छोटे भाई के लिए कर ही सकते हैं ना भाई। यहाँ पर क्या जा रहा है, 1 लाइक सिर्फ, आपको टिकी तो करना है। तो बने रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।